वेलकम टू आर फोटेक चैनल। आज हम देखते हैं कि रोटन ऑरेंज प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी लैंग्वेज में। नॉर्मल एल्गोरिथम क्वेश्चन है जो किसी भी इंटरव्यू में नॉर्मली आता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑरेंज रखे हुए हैं और उसमें से एक जो है सरा हुआ है, और एक ऐसे भी प्लेस है जहाँ पर ऑरेंज ही नहीं है, ये ब्लैंक है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी इसके एडजेसेंट और ऑरेंज है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, इसको एक दिन में ये सरा देगा। यानी डे वन में अगर आप देखोगे तो इसने इसके नीचे वाले को, ऊपर वाले को और लेफ्ट वाले को सरा दिया इसने। सिमिलरली डे टू पे क्या करेगा कि जो अब ये भी ऑरेंज सड़ गया तो ये भी अपने नीचे वाले को और ऊपर वाले को सरा दिया। थर्ड पे देखोगे ऑलमोस्ट सारे ऑरेंज सड़ गए हैं, जहाँ पे ऑरेंज ही नहीं है वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है। तो इसमें ये भी रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि बीच में कुछ ब्लैंक स्पेसेस आते हैं जहाँ पे ऑरेंज होता ही नहीं है, तो उसके बगल में जो ऑरेंज है वो कभी सड़ता ही नहीं है। तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जब वहाँ की ऑरेंज सड़े ही नहीं। तो ये भी एक ट्रिकी होता है कि उसमें लास्ट में जब आप सारा एल्गोरिथम चल जाता है उसके बाद चेक करना होता है कि सारे के सारे सरे या नहीं सरे। अगर नहीं सरे तो आपको बताना होता है कि ये इसमें कुछ ऑरेंज है जो नहीं सरा है, इसलिए ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये सारा ऑरेंज सर जाए। तो इस वाले एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो इसको क्या होता है कि 2D एरे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2D एरे में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, कोई ऑरेंज नहीं है, तो उसका मतलब है 0। अगर कोई हेल्दी ऑरेंज है तो इसका मतलब है 1। यहाँ भी देख रहे हो आप हेल्दी ऑरेंज है तो इसलिए 1, यहाँ भी हेल्दी ऑरेंज है तो 1, यहाँ भी हेल्दी ऑरेंज है तो 1, यहाँ 2 का मतलब हुआ कि ये ऑरेंज सरा हुआ है, तो ये वाला ऑरेंज सरा हुआ है। सिमिलरली नीचे वाले भी सारे ऑरेंज हेल्दी है तो इसलिए ये हेल्दी हो गया। डे 1 पे क्या हुआ, इसने लेफ्ट और टॉप बॉटम को और सरा दिया, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 2 2 आ गए। सिमिलरली डे 2 पे इसने इधर वाले को सरा दिया, और सिमिलरली डे 3 पे। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसको समझते हैं कैसे और आगे देखते हैं कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं जावा में। रोटन ऑरेंज नाम का क्लास बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि एक ग्राफ प्रॉब्लम है, तो एक एरे लेते हैं जो कि 2D एरे है। तो इसको डिफाइन कर देते हैं अपन, जैसा कि अपन लास्ट में देखे थे कैसे कैसे डिफाइन कर रहे थे। तो पहला 0 था, फिर 1, फिर 1 एंड जो सेकेंड एलिमेंट है वो 1,1,2 था, और सिमिलरली जो थर्ड वन था वो 1,1,1 था। तो ये अपना 2D एरे हो गया जिसमें देख रहे हैं सिर्फ एक ही ऑरेंज है जो कि सरा हुआ है, जिसको रोटन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले जो काम होगा वो ये रहेगा कि इसमें पूरे में से ढूंढेंगे कौन सी ऑरेंज है जो कि सरा हुआ है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अपने को और उसको ढूंढ के एक क्यू में डाल देंगे, और ताकि हर क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम देख सकते कि ऊपर या नीचे या साइड में एडजेसेंट कोई भी एडजेसेंट जो ऑरेंज है वो सरना चाहिए एक टाइम फ्रेम में, मीन्स एक दिन के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक क्लास नाम का नाम दे देते हैं ऑरेंज। इसके अंदर हम दो वेरिएबल डाल देते हैं, एक एक्स जिसको -1 से इनिशिएट कर देते हैं दोनों को, एंड एक डालते हैं वाई, इसको भी -1 से इनिशिएट कर देते हैं, और इसका एक
कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ताकि हम जब भी इसको इनिशिएट करें तो इसमें वैल्यू चला जाए सीधा सीधा। int y, सॉरी x के जगह पर मैंने इसे लिख दिया, तो यहाँ पे इसको एलोकेट करते हैं x इक्वल टू x, सिमिलरली दिस डॉट y इक्वल टू y। तो ये हमारा एक क्लास बन गया जो कि ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक क्यू डिफाइन कर देते हैं, क्यू। अब एक क्यू टाइप का क्या है इसका, इसका टाइप है ऑरेंज, है ना, तो ऑरेंज दे लेते हैं इसको, और इसको ले लेते हैं रोटन ऑरेंज, तो इसका नाम लेते हैं रोट ऑरेंज, ठीक है। इसमें लगते हैं लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट इसलिए क्योंकि हमें एक एक करके सिक्वेंशियली चेक करना है, तो इसीलिए हम ले लेते हैं इसमें लिंक्ड लिस्ट। अब हमें इसका रो का लेंथ और कॉलम का लेंथ, ये दोनों हमें पता है, तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि रो का 3 है, सिमिलरली कॉलम है सी ओ डब्ल्यू कर देते हैं, ये भी 3 है। दूसरे एरे केस में ये डिफरेंस हो सकता है, तो आप क्या करते हैं इसको सबसे पहले इटरेट करते हैं इस एरे को, आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई शुड बी लेस देन दी कॉलम एंड आई प्लस प्लस, देन एक और लूप चलाते हैं जिसमें लिखते हैं int j इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन दी रो एंड j प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं कि क्या इसमें का जो एरे है के अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो आई और जे में वो रोटन है क्या, मतलब 2 है इसका मतलब वो सरा हुआ है, 1 है इसका मतलब वो अच्छा है, और 0 है इसका मतलब है ही नहीं उसमें। तो अगर वो 2 है इसका मतलब सरा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे क्यू में ऐड कर देंगे। क्यू में ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो ऑरेंज नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिसमें जिसका कि वैल्यू क्या डालेंगे हम। अब यहाँ पे गेम ये है कि जो उसका पोजीशन है एक्स और वाई जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन डालेंगे। जैसे अभी वाले एग्जांपल में जो इसका पोजीशन है रोटन ऑरेंज का, जो सरा हुआ ऑरेंज है उसका 2 और 2 है, क्योंकि ये ऊपर से 0 1 और नीचे से 0 1 2, यानी कि 1 और 2 है इसका पोजीशन, तो इसलिए इसमें डाल देते हैं आई और इसके आगे डाल देंगे जे, तो जो भी इसका पोजीशन है वो इसमें चला गया। अब जो हमारा क्यू है रोट ऑरेंज वाला क्यू, उसमें हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ये उसमें ऐड हो गया। अब जब ये ख़त्म हो रहा है, जब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो हमको पूरा जो भी सरा हुआ ऑरेंज है ऑरेंज वो इन क्यू में आ गया, क्यू में आ गया। तो अब क्या करते हैं कि हमें कितने दिन में ये सड़ेगा ये भी निकालना है, तो क्यू दिन को बाइफरकेट करने के लिए क्यू के अंदर एक डेलीमीटर डाल देते हैं, और डेलीमीटर को हम एग्जांपल मान लेते हैं कि डेलीमीटर क्या है, कि एक ऑरेंज हम डिफाइन कर देते हैं, डेलीमीटर बोलते हैं इसको, डेलीमीटर न्यू ऑरेंज, और इसमें जो एक्स वाई है वो -1 और -1 डाल देंगे ताकि हमको कन्फ्यूजन ना रहे कि -1 -1 किसी का पोजीशन एक्चुअल में नहीं हो सकता। तो हम अपने वाले केस के लिए क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर दे रहे हैं। अब ये डेलीमीटर भी इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्यू मिल गया हमको कि कितना जो ऑरेंज है वो सरा हुआ है।
अब इसको ट्रैवर्स करना है अपने को। तो ट्रैवर्स हम कैसे करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप लगाने में हमारे को फ़ायदा क्या है कि हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं कि क्यू जो हमारा है उसका नाम है रोट क्यू, तो वो इज एम्प्टी, वो एम्प्टी हो गया है क्या। जब तक वो एम्प्टी नहीं हुआ तब तक हम उसको ट्रैवर्स करेंगे। अब एम्प्टी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको पहले निकाल के देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये कहते हैं एक ऑरेंज, इसमें निकाल लेते हैं इसको। अब ऑरेंज में निकालने के लिए जो भी आपका रोट ऑरेंज है डॉट रिमूव करते हैं। तो रिमूव से क्या होता है कि इसमें चला भी गया और वो उससे निकल भी जाता है, उसकी उससे हट जाता है। तो ये तो हमारा सारा क्यू को ट्रैवर्स कर देगा, लेकिन हमें सारा क्यू करना तो है लेकिन चंक में करना है। बेसिकली कितने दिन में हो रहा है वो एक चंक है, एक दिन इक्वल टू एक चंक। तो वो चंक को बाइफर्केट करने के लिए आपको एक और लूप लगाना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि ये जो ऑरेंज है, जो ऑरेंज अभी निकला है उसका जो एक्स है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू दी माइनस वन, क्योंकि अगर वो माइनस वन है इसका मतलब है वो डेलिमीटर है। तो ये जो एक चंक है ये आपको पता देगा कि ये उस दिन का है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि उसको ट्रैवर्स कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास एलिमेंट है, एरे है, वो जो ऑरेंज मिला है हमको वो तो सरा हुआ है। अब सरा हुआ जो एलिमेंट है वो अपने एडजेसेंट वाले को भी सरा हुआ कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे कि उसके लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, कहीं पे भी एक भी ऑरेंज अगर अवेलेबल है तो वो उसको सरा दे। तो सबसे पहले हम करते हैं चेक टॉप एडजेसेंट, ठीक है। टॉप एडजेसेंट क्या होता है कि आई माइनस कर दो आप और जे वही रखो, तो कॉलम अगर माइनस हो गया तो टॉप में चला जाएगा और जे जो उसका रो है वो वहीं पे फिक्स रहेगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, ए आर आर एफ ऑरेंज डॉट एक्स माइनस वन एंड ऑरेंज ऑफ वाई, क्या ये इसको ये सराएगा। लेकिन सराने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये वन है भी कि नहीं, इसमें ऑरेंज है भी या नहीं। तो इसलिए हमें कंडीशन लगाना होगा कि ये ऑरेंज है या नहीं है। ये तो हमने चेक लगा दिया, लेकिन इससे पहले के बाद हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो ऑरेंज एक्स माइनस वन है ये मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये इनवैलिड वैल्यू आ जाए। माइनस वन अगर आ जाएगा तो ये इनवैलिड हो जाएगी। तो इसीलिए इसको चेक करना पड़ेगा कि ये माइनस वन से ऊपर हो, मतलब एटलीस्ट जीरो हो, जीरो कॉलम में हो तो ये वैलिड रहेगा। और अगर देख लिया ये ऑरेंज है तो ये अब क्या करेगा, इसको सरा देगा, ठीक है। अब ये सरा देगा तो क्या करेंगे कि जो क्यू है उसमें एक और सरा हुआ ऑरेंज बढ़ाना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले तो इसको सराने वाला जो काम है वो कर देते हैं कि ये डाल दिया ये इक्वल टू टू, यानी कि ये सड़ गया। अब हमको एक क्यू में भी डालना है इसको, तो इसको टैंप कर देते हैं और इसमें न्यू ऑरेंज और इसका जो एक्स और वाई होगा वो क्या होगा, जो हमने अभी निकाला है ऑरेंज डॉट एक्स माइनस वन एंड कॉमा ऑरेंज डॉट वाई। तो ये हो गया हमारा नया वो जो कि इसमें अब जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया टेम्प ऐड हो गया इसमें।
ठीक है। तो अब हमने टॉप वाला चेक कर लिया, सिमिलरली हमको चेक करना है बॉटम वाले। तो बॉटम वाले के लिए हम कैसे चेक करेंगे, बॉटम कैसे बढ़ेगा कि एक्स तो फिक्स रहेगा, एक्स फिक्स नहीं रहेगा, एक्स में प्लस वन हो जाएगा। अगर प्लस वन नीचे आ जाएगा तो मतलब एक नीचे पे चला गया, तो यहाँ भी वो प्लस वन हो जाएगा। अब प्लस वन का कंडीशन क्या हो सकता है कि प्लस वन का भी ऐसा हो सकता है कि ये उसकी लेंथ से ही बड़ा हो जाए, तो इसीलिए हमको चेक लगाना पड़ेगा कि ये इसका जो लेंथ है एक्स वो कभी भी कॉलम के लो से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये उससे छोटा होना चाहिए। तो जैसे ही प्लस गया इसको भिसरा दिया इसने, और वापस उसी तरीक़े से इसने एक ऑरेंज इसमें डाल दिया। इसी टाइप से हमें चेक करना रहेगा कि लेफ़्ट में क्या है, लेफ़्ट में भी कोई ऑरेंज है क्या। तो लेफ़्ट में ऑरेंज होने के लिए आपको क्या चेक करना रहेगा कि जो x है वो तो वही रहेगा लेकिन y आपका माइनस वन हो जाएगा। तो इस केस में आपको y जो माइनस वन है वो आपको देखना पड़ेगा कि वो जो है वो माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज जो आपको एरे इनवैलिड करके बता देगा कि इंडेक्स आउट ऑफ ये करके बता देगा कि ये इनवैलिड इंडेक्स है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, अब ये माइनस वन कर दिया मैंने फिर, और सिमिलरली तो इसको हटा दिया और ये हो गया माइनस वन। तो ये लेफ्ट वाले को कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे राइट वाले को करना है तो राइट वाले कैसे करेंगे, राइट वाले करने के लिए जो वाई है वो प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन हो गया। अब प्लस वन हुआ है तो यहाँ पे जो चेक है वो बदल जाएगा। चेक क्या लगेगा कि ये रो की जो लेंथ है उससे छोटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, इसमें से कोई भी अगर है तो ये क्यू में ऐड कर दे और अपने साइड वाले को सरा दे, मतलब रोटन कर दे। ठीक है, अब जब हम लूप से बाहर आएंगे तो इसमें से चारों में से किसी को उसको मिला फल कि नहीं मिला ऑरेंज, और उसने सराया कि नहीं सराया, ये कैसे पता चलेगा। तो वो पता करने के लिए अपने को एक यहाँ पे बुलियन डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको फ्लैग भी कह सकते हो आप, कि रॉट हैपन, मैं इसका नाम दे देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट मैं मान लेता हूँ कि कोई भी रॉट हुआ ही नहीं है, लेकिन अगर देखो यहाँ पे जाएगा तो टॉप होगा, तो इसको ट्रू कर देगा ये कि ये रॉट हो गया है। सिमिलरली नीचे में कर देगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो जब लूप ख़त्म हुआ उस टाइम पे हमको पता चल गया कि ये रॉट हुआ है या नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अगर रॉट हुआ है तो अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ये एक ये जो पूरा लूप है यहाँ से यहाँ तक, ये लूप एक दिन का बता रहा है कि एक दिन का काम हो गया। तो इसके लिए हमको कहीं काउंटर भी लेना पड़ेगा जो हमको बताएगा कि डे काउंटर करके कि कितने दिन लग गए उसको। तो बाय डिफॉल्ट हम जीरो मान लेते हैं इसको। तो अगर ये रोट हुआ तो मतलब एक दिन लगा उसको, तो इसीलिए डे को काउंट को प्लस प्लस कर दिया। और अगर एक भी हुआ है यहाँ पे तो एक हमको डेलीमीटर भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको दोबारा भी तो करना पड़ेगा। अगर वो उसके बगल वाले को भी चेक करना पड़ेगा कि उसके बगल में भी तो कोई नहीं हो गया है ना, तो इसके लिए हमको एक डेलीमीटर ऐड करना पड़ेगा फिर से, जैसे हमने वहाँ ऐड किया था डेलीमीटर। तो यहाँ पे माइनस वन कर देंगे हम, डेलीमीटर में तो माइनस वन ही रख रहे हैं ताकि हमें पता चल जाता है कि ये डेलीमीटर है।
ठीक है। तो ये फिर रोट ऑरेंज में ऐड कर दिया इसने टेम्प डिलीमिटर, इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये इसको दोबारा इटरेट करने की ज़रूरत है। तो ये जो वाइल लूप है ये दोबारा इसको इटरेट कर देगा। अब यहाँ आने के बाद आप देख रहे हो कि मैंने ऑरेंज पे चेक लगाया है, तो जब यहाँ पे लूप ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये दोबारा क्यू का तो निकालेगा ही नहीं वो। तो इसीलिए अपने को यहाँ पे चेक करने के बाद ऑरेंज में एक बारी और निकाल के डालना पड़ेगा ऑरेंज में कि रॉट ऑरेंज डॉट रिमूव, ये वाला चेक कर लिया इसने, फिर दोबारा चेक करेगा ये। जब ये हो गया काम तो फिर दोबारा रॉट जाएगा, फिर वाइल लूप में जाएगा, फिर देखेगा कि कोई भी और भी है जिसको इसको प्रोसेस करना है, अगर नहीं करना है तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा। इस हिसाब से डे काउंट भी इसको मिल गया और ये ऑरेंज हो गया। जब इस तरीके से जितने भी क्यू में डेटा जाते जाएंगे सारा हुआ डेटा, उस सारा डेटा को प्रोसेस कर देगा और उसके साइड वाले को सबको चेक कर लेगा। अब जब सारा डेटा चेक हो गया, सारा डेटा ऑरेंज हो गया, तो उसके बाद अब क्वेश्चन क्या था कि कितना दिन लगेगा उसको सारे डेटा को सारे ऑरेंज को सरने में, और ये भी हो सकता है कि कुछ ऑरेंज ऐसे बच जाएं जो कि सरे ही ना, तो उस केस में जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 दिन आएगा। मतलब कि ऐसा कुछ ऑरेंज मिल गया जिसको वो सरा नहीं सके क्योंकि वो उसके एडजेसेंट में नहीं था, एडजेसेंट से थोड़ा दूर था, तो इसीलिए वो उसके टच में नहीं आया, तो इसलिए उसको नहीं वो कर पाया। तो उसको चेक करने के लिए हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि अब जितने भी हमने लूप चलाए हैं वो लूप सही से मीन्स सारे को सराया या नहीं सराया। उसके लिए पहले हम चेक करेंगे चेक ऑल दी ऑरेंज आर रॉटन और नॉट। तो उसके लिए हमें एक बारी लूप चलाना पड़ेगा पूरा फिर से इंट आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन दी कॉलम एंड आई प्लस प्लस। सिमिलरली एक और लूप चलाना पड़ेगा जिसमें जे इक्वल टू 0 एंड जे शुड बी लेस देन दी रो एंड जे प्लस प्लस। यहाँ पे इन डिपेंड करना पड़ेगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इफ यहाँ पे पहले मान लेते हैं कि ऑल आर एक बुलियन ले लेते हैं जिसमें लिख देते हैं कि ऑल ऑल ऑरेंज रॉटन। तो इसको मान लेते हैं कि ऑल ऑरेंज सरा हुआ है या नहीं सरा हुआ है। तो पहले से मान लेते हैं कि सारा सर गया। तो अब अगर यहाँ पे हम देख लें तो ए आर आर ऑफ आई एंड ए आर आर ऑफ जे इक्वल टू अगर 1 हो गया, इसका मतलब कि कुछ ऑरेंज है जो कि अभी नहीं सरा है, तो इसका मतलब ऑल ऑरेंज रोटन आर ये फॉल्स हो गया कि मतलब कुछ तो ऑरेंज बचा हुआ है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि इफ ऑल रोटन ऑरेंज आर ट्रू है, अगर ऑल रोटन सर गया तो आप प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln days take to rot all orange
एल्स केस में आप कर दो कि ऑल ऑरेंज आर नॉट रॉटन। तो इसको आप सेव करके चला के देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है डे टेक टू रोट ऑल द ऑरेंज को 3 दिन लगेगा करने में। अब कब कब लगा इसको 3 दिन, कैसे लगा, उसके लिए अगर हमको देखना है और डिटेल देखना है कि कैसे हुआ, तो इसके लिए एक अच्छे से एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे बगल में प्रिंट करने का, कि हर दिन के बाद वो प्रिंट कर दे। ठीक है, तो प्राइवेट स्टैटिक वॉइड प्रिंट एआरआर सॉरी यहाँ पे इंट आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। डे काउंट भी ले लेते हैं इसमें, ताकि जब हम प्रिंट करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएम किस दिन की बात हो रही है, अभी इसमें ये पता चल जाएगा अपने को। और फिर जब उसको चलाना है, प्रिंट करना है, तो ये लूप चला देते हैं दो बारी, और इसके अंदर अपन प्रिंट कर देंगे। इसके अंदर रो का भी काउंट ले लेते हैं, और इसके अंदर कॉलम का भी काउंट ले लेते हैं। आई जे प्रिंट कर देगा ये एक, जब ये लूप है ये एक रो को प्रिंट करेगा। तो जब ये प्रिंट कर देगा उसके बाद हम प्रिंट एलएन कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करे ये। ठीक है, और हर डे के कॉरस्पॉन्डिंग जैसे जैसे हर दिन का रोट होगा उसके बाद हम यहाँ पे चाहें तो इसको प्रिंट कर लेते हैं कि प्रिंट यार डे काउंट हो गया, रो हो गया, खो हो गया। तो ये हमको बता देगा किस किस दिन कितना हुआ। तो जैसे देखो डे वन पे इसने अपने लेफ्ट वाले को किया रोट, और टॉप वाले को किया और बॉटम वाले को किया। डे टू पे इसने क्या किया, चूँकि अब ये वाला भी हो गया था तो इसका लेफ्ट लेफ्ट थर्ड डे में क्या किया, इसने सारे को कर दिया। तो पूरा करने में हो गया 3 दिन लगे इसको। तो ये बेसिकली प्रोग्राम हो गया कि सारे एडजेसेंट ऑरेंज को कितना टाइम लगता है रॉट करने में। और अगर आप इसकी वो निकालें स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये ओमेगा ऑफ एन होगा, क्योंकि हमने एक ही बार उसको ट्रैवर्स किया है, हमने ज़्यादा वर्क किया नहीं, क्योंकि जो हमने डेटा था वो डेटा निकाला और उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो आगे पीछे की चीज़ें थी वो कर दिया। तो इसीलिए ये ऑर्डर ऑफ एन है, जो सबसे इफ़िशियंट तरीका है कि आप इस प्रोग्राम को कैसे सॉर्ट आउट करोगे। मैं लगेगा तो इसको कोड को आपके कमेंट में भी डाल दूँगा, ताकि आप सही से इसको कर सकें। ओके, थैंक यू गाइज़।